आज हम लोग क्विक रिवीजन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखने वाले हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में तीन पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन, सेकंड पार्ट एक्सपोनेंशियल एंड थर्ड पार्ट फैक्टर फॉर्म। इसको दर्शाने का टू टाइप्स होता है। पहला तरीका है फैक्टर फॉर्म में आगे में एल लगा करके, जैसे एल एफ टी। सेकेंड तरीका है जो एक्सपोनेंशियल है, इसमें जो ये पी है उसको एफ के साथ डिनोट करना है, जैसे एफ पी। इस पी को हम लोग पैरामीटर कहते हैं। कोई कोई बुक में यहाँ पर पैरामीटर एस भी रहता है, अगर एस रहेगा तो हम लोग एफ एस दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर फैक्टर फॉर्म आपका वन है, इसको डिनोट हम लोग एल वन से किए। अब इसको सॉल्व, वन से मल्टीप्लाई, ई पावर माइनस पी टी हुआ, इसका इंटीग्रेशन हुआ ई पावर माइनस पी टी बटे, क्योंकि माइनस पी से मल्टीप्लाई था तो डिवाइड ही माइनस पी से हो गया। इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किया, इसका आंसर 1/p आया। इसका मतलब है जब हम लोग वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, अर्थात इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसका वैल्यू 1/p आएगा। पी क्या है? ये पैरामीटर है, ई पावर माइनस पी टी में ये पी जो है पैरामीटर है, इसको हम लोग पैरामीटर कहेंगे। ओके, तो ध्यान में रखना है कि वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p होता है। मैक्सिमम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बटे के नीचे में पैरामीटर मेरा आएगा ही आएगा, लगभग सब में आ जाता है। ओके, इतना आप लोग ध्यान में रखना। अच्छा बताओ, तो इसमें जो है इसको आप पैरामीटर फॉर्म में दिखाना है आपको। जैसे यहाँ पर पैरामीटर पी था तो हम लोग इसको डिनोट किए थे एफ पी से, इसमें पैरामीटर एस है इसको डिनोट करेंगे एफ एस से, इसमें पैरामीटर -4 है इसको हम लोग डिनोट करेंगे एफ -4 से, इसमें पैरामीटर -6 है इसको डिनोट करेंगे एफ -6 से, इसमें पैरामीटर पी है इसको हम लोग डिनोट करेंगे एफ पी से। अब हम लोग एक बार फैक्टर फॉर्म भी चेक कर लेते हैं। इसमें फैक्टर फॉर्म एफ टी है तो एल एफ टी, सब में एफ टी है। इसमें फैक्टर फॉर्म ई पर पावर ए टी है तो एल ई पर पावर ए टी। फाइनली हम लोग का लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इसको आपको याद रखना है कि फैक्टर फॉर्म के लिए एल एफ टी और पैरामीटर पी है तो एफ पी, बस इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग इसमें कुछ फॉर्मूला को देखेंगे। यहाँ पर फैक्टर फॉर्म मेरा ई पर पावर ए टी है तो एल ई पर पावर ए टी का हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। यहाँ पर बेस समान है तो पावर जुट गया, इस दोनों से टी कॉमन ले लिए, और हमेशा पी जो है मेरा पॉजिटिव रहता है इसलिए हम लोग इससे माइनस कॉमन ले लिए। अब ई पर पावर माइनस टी इंटू पी माइनस ए, इसका इंटीग्रल फॉर्मूला लगा यहाँ पर। इसका सॉल्यूशन जब किए अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाने के बाद, तो इसका सॉल्यूशन 1/p माइनस ए, तो यहाँ पे पैरामीटर नीचे में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर प्लस था ई पर पावर ए टी, मतलब यहाँ पर प्लस था ए टी के साथ, यहाँ माइनस आएगा। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस रहेगा। ओके, और ए को घटाना है पी में तो 1/p माइनस ए, बस इतना याद रखना है आपको। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पर पावर ए टी बराबर होता है 1/p माइनस ए। उसके बाद हम लोग फैक्टर फॉर्म में साइन ए टी रखेंगे और कोस ए टी, इसका हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म सीखेंगे। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे यूलर्स फॉर्मूला से। हम लोग पढ़े हुए यूलर्स फॉर्मूला में ई पर पावर आई थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। चूंकि यहाँ पे थीटा की जगह पर एटी है तो थीटा का मान हम लोग एटी से रिप्लेस करके थीटा की जगह पर एटी लिख लिए। चूंकि यहाँ पर लाप्लास लगा हुआ है साइन में भी और कॉस में, तो हम लोग दोनों बगैर लाप्लास लगाए, और लाप्लास लगाने के बाद यहाँ पर टी के साथ क्या है आई ए है। जैसे यहाँ पर टी के साथ ए था तो पी में ए घटा था, तो यहाँ टी के साथ आई ए है तो पी में आई ए घटेगा। चूंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अब पी में घटता है पैरामीटर में तो 1/p माइनस आई ए, और 1/p माइनस आई ए का हम लोग परिमेयकरण करेंगे। इसे पी प्लस आई ए बटे पी प्लस आई ए से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आया पी प्लस आई ए बटे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको अलग अलग किए, पी वाला पार्ट को अलग और आई वाला पार्ट को अलग, तो पी बटे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और आई ए बटे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको इसकी जगह पर हम लोग पुट किए। यहाँ पर आई का कोफिशियंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एटी के बराबर होगा और ये रियल पार्ट इसके बराबर होगा, तो मेरा फॉर्मूला प्रूव हो गया। क्या कॉस एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पी बटे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन एटी का ए बटे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। यह आपका 2015 में पूछा गया है, इसको अच्छे से बनाना है भाई, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपका 2010 में आया हुआ है, इसका इंटीग्रल। इसके साथ साथ ये वाला भी क्वेश्चन आपका 2010 में पूछा गया है। चलो हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग साइन हाइपरबोलिक एटी और कॉस हाइपरबोलिक एटी का फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। कॉस हाइपरबोलिक एटी वाला जो है आपका 2020 में पूछ लिया गया है, ठीक है, इसको अच्छे से सीखना है। इस दोनों को प्रूफ करने के लिए एक फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, साइन हाइपरबोलिक थीटा का और कॉस हाइपरबोलिक थीटा का। इसमें साइन में यहाँ माइनस होता है बीच में और कॉस में यहाँ प्लस होता है बीच में, तो जो कि यहाँ थीटा की जगह पर एटी है तो थीटा का मान हम लोग एटी पुट करेंगे। एटी पुट करने के बाद यहाँ पर जो है हम लोग इसको अलग अलग करके या फिर 1/2 को बाहर निकाल लिए और बचा अंदर में ई पर पावर ए टी प्लस ई पर पावर माइनस ए टी, दोनों में लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाए। और इसका हम लोग पढ़े हुए हैं ई पर पावर ए टी का पी माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा यहाँ पर, और ए मल्टीप्लाई है टी के साथ तो यहाँ पर ए हुआ, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा और ए टी का मल्टीप्लाई ए के साथ है तो यहाँ ए आएगा। ओके, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा ए बटे पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आंसर निकला।
इसका मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी का आंसर मेरा ए बटी पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। इसको ध्यान में रखना है आपको। ओके नेक्स्ट है कॉस हाइपरबोलिक ए टी। कॉस हाइपरबोलिक ए टी में फॉर्मूला में सिर्फ प्लस में अंतर था, तो हम लोग यहाँ सिर्फ प्लस लेंगे, ठीक है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस ले लेंगे, बस यहाँ से चेंज होगा आपका। इसको सॉल्व करने के बाद आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला आ गया पी बटी पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आपका 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग टी पर पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म सीखेंगे। ये आपका 2010 में आया हुआ है। इसमें हम लोग टी पर पावर एन फैक्टर फॉर्म ले लिए। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, पी टी को एक्स मान लेंगे, ठीक। इसको एक्स मानने के बाद टी का वैल्यू एक्स बाई पी, तो टी का वैल्यू एक्स बाई पी, बहुत अच्छे। और डी टी है यहाँ पे, डी टी का वैल्यू डी एक्स बाई पी, डी एक्स बाई पी, एन था तो एन आ गया। अब लिमिट लिमिट वही रहेगा, टी जीरो तो एक्स भी जीरो, टी इन्फिनिटी तो एक्स भी इन्फिनिटी। जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेंगे, पी एन और पी बाहर आ गया मेरा, लिमिट वही रह जाएगा ई पर पावर माइनस एक्स और एक्स पर पावर एन। और हम लोग पढ़े हुए हैं कि गामा एन प्लस वन जो है इसी के बराबर होता है, तो हम लोग इसकी जगह पर गामा एन प्लस वन पुट किए और बेस समान था यहाँ पर, तो पावर आपका एन और वन जुट गया, तो पी पर पावर एन प्लस वन। सॉल्व करने के बाद गामा एन प्लस वन बटे पी पर पावर एन प्लस वन, और गामा एन प्लस वन को हम लोग फैक्टोरियल एन कहते हैं। जैसे एक से मल्टीप्लाई चार तक है, इसको हम लोग फैक्टोरियल फोर, और गामा के फॉर्म में इसको फैक्टोरियल फाइव, एक अधिक गामा में होता है। ओके वही सेम फंडा यहाँ पे लगा, प्लस वन था तो फैक्टोरियल में एक कम, फैक्टोरियल एन बटे पी पर पावर एन प्लस वन। तो मेरा फाइनली रिजल्ट आ गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पर पावर एन का गामा एन प्लस वन बटे पी पर पावर एन प्लस वन, और अगर एन का मान वन लेने पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का वैल्यू गामा टू बटे पी स्क्वायर होता है, और इसका फैक्टोरियल फॉर्म में वन बटे पी स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है भाई।